हेलो दोस्तों, आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 6ठा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अपनी तैयारी परखने का आपके पास में बेहद शानदार मौका है। रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। अगर आप सेकंड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए खानवा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों देखिए, दो डेट आपको याद रखनी है 1527 के अंदर। एक है 16 फरवरी, ठीक है, 16 फरवरी। दोस्तों 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ था और इसके ठीक एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। दोस्तों, इस खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे कौन कौन? तो देखिए, राजा भारमल जो इडर के थे और विरमदेव मेड़तिया, ठीक है, ये दोनों के दोनों दोस्तों राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे बाबर के विरुद्ध। राव बिका और लोनकरण, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ये दोनों नहीं लड़े थे राणा सांगा के पक्ष में। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी इसमें क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, विग्रह राज के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों यहां पे बात हो रही है विग्रह राज चतुर्थ की, ठीक है, जिसको अपन बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों देखिए, पहला कथन है, विग्रह राज को कवि बांधव कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों हरिकेली नाटक की रचना की, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इनका काल चौहान शासन काल का स्वर्ण युग माना जाता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे देखिए, ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी, गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ललित विग्रहराज नाटक की जो रचना है ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि सोमदेव ने की थी। दोस्तों किसने की थी? सोमदेव ने। यहां पर ये अपना क्या दे रखा है? गलत दे रखा है चौथा नंबर का कथन। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासन में करवाया गया? सुदर्शन झील का निर्माण है यह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय किया गया था। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ रचयिता है दूसरी तरफ ग्रंथ है। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन से ग्रंथ के रचयिता कौन है। यहां पर देखिए दोस्तों, धन्वंतरी है ये दोस्तों देखिए निघंटू ग्रंथ के रचयिता है, निघंटू ग्रंथ के रचयिता है। नागार्जुन है ये दोस्तों माध्यमिक कारिका के रचयिता है। और ब्रह्मगुप्त है ये दोस्तों ब्रह्म स्फुट के रचयिता है। और पाला काप्य ये दोस्तों देखिए हस्तया वेद यूर्वेद, ठीक है, इसमें देखिए हतस्यार वेद आयुर्वेद, तो दोस्तों इससे संबंधित है ये। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सारे के सारे सही सुमेलित हैं, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों असंगत कौन सा है, यानी कि दोस्तों अपने को बताना है कि किसका अर्थ क्या है। दोस्तों यहां पर देखिए, शिक्षा का अर्थ है शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल सही है। निरुक्त का अर्थ है दोस्तों शब्दों की उत्पत्ति, बिल्कुल सही है। व्याकरण का अर्थ है दोस्तों भाषागत शैली, बिल्कुल सही है। यहां पे देखिए, छंद का अर्थ है दोस्तों पदों को क्रमबद्ध करना, यह भी बिल्कुल सही है। कल्प का मतलब यहां पे शास्त्र दे रखा है, गलत हो जाएगा। दोस्तों कल्प का अर्थ होता है विधि विज्ञान या नियम, ठीक है, विधि विज्ञान या दोस्तों नियम। तो यहां पर अपना इसमें ई नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में असंगत कथन कौन सा है। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में असंगत कथन अपने को यहां पर बताना है। देखिए
इसके संस्थापक पाल शासक धर्मपाल थे, बिल्कुल सही है। यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही है। यह वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए विक्रमशिला वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। 1203 ईस्वी में दोस्तों बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, यह भी आपको इसमें याद रखना है। कहां पर है? बिहार के भागलपुर में है। यहां पर दिल्ली गलत दे रखा है। यहां का सबसे बड़ा भवन विज्ञान भवन कहलाता था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह असंगत है। यहां पर 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहां पर दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सा प्रस्ताव या कौन सा घोषणा पत्र या कौन सा आयोग है वो कब आया था, ठीक है, ये बताना है दोस्तों। यहां पे देखिए मेकाले का विवरण पत्र है दोस्तों, मेकाले का विवरण पत्र है, ये 1835 में आया था। कब आया था? 1835 में आया था, ठीक है। हंटर आयोग, मैं यहां पे बात कर रहा हूं दोस्तों, हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग है ये दोस्तों, 1882 में आया था। कब आया था? 1882 में, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें चार्ल्स वुड डिस्पेच है ये दोस्तों, डलहौजी के काल में आया था और ये 1854 में आया था, ठीक है। आगे देखिए सरकारी प्रस्ताव दोस्तों, सरकारी प्रस्ताव है ये 1913 में आया था। कब आया था? 1913 में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 1, 2, 3, 4, इसमें चारों ही क्या है, सही सुमेलित है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, कौन सा युग्म असुमेलित है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। यहां पर अपने को बताना है कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है। माध्वाचार्य यहाँ पे भेदाद्वैतवाद, ये दोस्तों अपना इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है दोस्तों। माध्वाचार्य जी ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया था? द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों, ठीक है, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो यहां पर अपना ये भेदा भेदवाद है, ये गलत दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म इसमें गलत है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए ज्योतिष पीठ है वो दोस्तों कहां पर है? तो दोस्तों ये बद्रीनाथ में है, बिल्कुल सही है। शारदा पीठ कहां पर है? तो ये द्वारिका में है, बिल्कुल सही है। यहां पे देखिए श्रृंगेरी दोस्तों, श्रृंगेरी कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। गोवर्धन पीठ यहां पर असम दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। गोवर्धन पीठ कहां पर है? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न रचनाओं में से असंगत युग्म को छांटिए, निम्न रचनाओं में से असंगत युग्म को अपने को यहां पर छांटना है दोस्तों। यहां पर देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं कि एक तरफ तो दोस्तों इसमें रचनाकार दे रखी है, दूसरी तरफ रचना दे रखी है उनकी। यहां पर देखिए तारीख ए रसीदी है ये दोस्तों मिर्जा हैदर दोगलत की रचना है, बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा है ये गुलबदन बेगम की रचना है, बिल्कुल सही है। देखिए मुंतक उल त्वारिक है ये दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए तबकान ए अकबरी यहां पर दोस्तों अबुल फजल दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है दोस्तों। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है, ठीक है, निजामुद्दीन अहमद की रचना है दोस्तों ये। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित है यानी कि असंगत है, ठीक है। आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित स्थापत्य कला में कौन सा सही नहीं है, बताइए। शेरशाह द्वारा निर्मित स्थापत्य कला में कौन सा नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए इसमें शेरमंडल दुर्ग का निर्माण, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण, मेहरानगढ़ में मस्जिद का निर्माण, बाबरी मस्जिद इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था दोस्तों, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक है वो 2 बार हुआ था, ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था दोस्तों जून 1674 में रायगढ़ दुर्ग में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में, ठीक है। और दोस्तों
दूसरी बार जो राज्याभिषेक हुआ था यह हुआ था दोस्तों सितंबर में, ठीक है दोस्तों, कब हुआ था यह हुआ था सितंबर 1674 में, ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर, सॉरी ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दो बार हुआ था। आगे देखिए, शिवाजी के प्रशासन से संबंधित असंगत युग्म कौन सा है दोस्तों, यहां पर देखिए पेशवा, पेशवा बोलते थे प्रधानमंत्री को, बिल्कुल सही है। सुमंत ये विदेश मंत्री को बोलते थे दोस्तों, अमात्य है ये वित्त मंत्री को बोलते थे, सर ये नौबत ये राजा का मंत्री है ये दोस्तों गलत दे रखा है दोस्तों, जो सर ए नौबत है ये दोस्तों सेना का जो अधिकारी होता था ठीक है उसको बोलते थे सेना का अधिकारी, ठीक है यहाँ पे राजा का मंत्री गलत दे रखा है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशनों को सुमेलित कीजिए, अपने को बताना है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों। यहां पर देखिए सीधा सा मैं बोलूं, कांग्रेस का जो बंबई में अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1885 में। कलकत्ता में कब हुआ था, कलकत्ता में हुआ था दोस्तों 1886 में, मद्रास में दोस्तों 1887 में, और इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों 1888 में। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 इसका, सॉरी 4 3 2 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको इसमें याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें, सबसे पहले हम भारतीय हैं उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यह कथन किसका है बताइए, सबसे पहले हम भारतीय हैं उसके बाद है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यह कथन किसका है, तो यह कथन है दोस्तों जॉर्ज यूले का, ठीक है यह कथन है दोस्तों जॉर्ज यूले का, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब इलाहाबाद का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ठीक है, कब 1888 में इलाहाबाद में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ठीक है, और अपने अध्यक्षीय भाषण में ये कहा था उन्होंने, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए मैथ के क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं, तो देखिए शून्य कैसी संख्या है, शून्य कैसी संख्या है तो दोस्तों शून्य है ये पूर्णांक संख्या है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णांक संख्या है। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से असत्य कथन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, तो यहां पर देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है बिल्कुल सही है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है बिल्कुल सही है, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती है ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य कथन है इसमें। आगे देखिए इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, 14/25 इंटू 35/51 इंटू 34/49 दे रखा है का मान अपने को यहां पर ज्ञात करना है दोस्तों, सीधा सा है अपन इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपके पास में सीधा सा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है इसमें 4/15 ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4/15। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, ये दोस्तों यहां पर बारंबारता का निशान लगा हुआ है ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों ये 3 के ऊपर और ये 2 के ऊपर निशान लगा हुआ है ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों इसमें 1.2 × 0.03 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, क्या आएगा वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। 1.2 को अपन है वो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं 1 सही 2/9 ठीक है, 1 सही 2/9 लिख सकते हैं, इंटू यहां पर 0.03 को दोस्तों 3/99 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो दोस्तों यहां पर देखिए 9 1 9 9 2 11 11/9 ठीक है, 11/9 इंटू 3/99 ठीक है, तो दोस्तों यहां पे सीधा सा आपका राइट आंसर आ जाएगा 1/27, क्या जाएगा 1/27 आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा अपना, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 0.037 ठीक है, 0.037 फिर बारंबारता में चलेगा, तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है। आगे देखिए निम्न में से 7 दशमलव संख्या है दोस्तों, 7 दशमलव संख्या है तो दोस्तों सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें 639 में 250 का भाग दे दीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.556 ठीक है,
तो यहां पर इसमें सात दशमलव संख्या है तो वो यही है, तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाग दे लीजिए, पता चल जाएगा। आगे देखिए, चार संख्याओं का योग 48 है, जब पहली दो संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्या में से 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाएगी, वे संख्याएं हैं। तो दोस्तों सीधा सा है, ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन उठाया दोस्तों 6, 10, 14, 18, इसका अगर अपन टोटल करते हैं तो दोस्तों कितना जाएगा, दोस्तों टोटल करोगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि जब पहली दो संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाए, तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें 6 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 11, और 10 में 1 जोड़े तो दोस्तों कितना हो गया 11, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों देखिए तीसरी और चौथी संख्या में 3 और 7 घटाया जाए तो तीसरी संख्या में दोस्तों 3 घटाया जाए तो 14 में से 3 गए तो दोस्तों क्या बचा 11, और यहाँ पे 18 में से 7 घटाया जाए तो दोस्तों क्या बचेगा 11, यानी कि सारी की सारी संख्या है वो समान हो गई ना, बिल्कुल हो गई। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किसी बारंबारता श्रेणी में वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है तथा एम मध्यमान है तो उच्च सीमा होगी, तो उच्च सीमा है वो क्या होगी वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए निम्न सीमा है वो दोस्तों यहां पर देखिए ये दे रखी है दोस्तों यहां पे, ठीक है, निम्न सीमा। तो दोस्तों यहां पे मध्यमान है वो m को माना है और उच्च सीमा है वो दोस्तों h को माना है। तो दोस्तों यहां पे सूत्र होता है इसका दोस्तों m बराबर l प्लस h बटे 2, या दोस्तों यहां पे l प्लस h बराबर 2m इसको लिख सकते हैं, या दोस्तों h बराबर 2m माइनस l ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें एक परीक्षा में रंजना का ऊपर से स्थान 16वां एवं अभिमन्यु का दोस्तों नीचे से 21वां स्थान है। एक परीक्षा में रंजना का ऊपर से 16वां स्थान और अभिमन्यु का नीचे से 21वां स्थान है। रंजना एवं अभिमन्यु के बीच 5 छात्र हैं। बताओ परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी हैं, तो सीधा सा हो जाएगा यहां पर देखिए कुछ भी नहीं करना। देखिए बीच में 5 छात्र है तो 16 प्लस 21 प्लस 5 कर लीजिए, तो 16 प्लस 21 प्लस 5 करोगे तो कितना जाएगा 42, तो यहां पर अपना यह नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुबह के 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे को विपरीत दिशा में होंगी, तो दोस्तों कितनी बार एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगी, तो दोस्तों देखिए दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होगी, तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकेश को याद है कि उसका भाई लक्ष्मण का जन्मदिन 20 अगस्त के बाद लेकिन 28 अगस्त से पहले है, जबकि रीता के अनुसार लक्ष्मण का जन्मदिन है वो 22 अगस्त से पहले और 12 अगस्त के बाद में है, ठीक है, तो बताओ कि लक्ष्मण का जन्मदिन किस तारीख को है। तो दोस्तों सीधा सा अपने को यहां पर क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है, ठीक है, कॉमन कौन सा आ रहा है तो दोस्तों 21 है, 21 तारीख है वो दोस्तों, यहां पर देखिए लोकेश के अनुसार भी आ रही है और रीता के अनुसार भी आ रही है, ठीक है, जो भी आपको कॉमन दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 21 इसका बिल्कुल सही, 21 अगस्त, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए यहां पर नीचे दी गई आकृतियों के आधार पर होगा, तो दोस्तों यहां पर देखिए 5 के विपरीत अपने को बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। दोस्तों यहां पर देखिए 5 के विपरीत क्या होगा, यहां पर अपने को क्या करना है दोस्तों, सीधा सा मैं आपको बताऊं, इनमें से कॉमन देख लीजिएगा, ठीक है, कॉमन जैसे कि इसमें 2 दे रखा है दोस्तों, ठीक है, और ये इसमें 2 दे रखा है, तो यहां पर अपने को क्या करना है दोस्तों, क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, तो यहां पर 2-2 लिख दीजिए, उसके बाद में क्लॉकवाइज घुमाया तो ये आ गया 6, और उसके बाद में घुमाया तो दोस्तों ये आ गया 4, इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये आ गया दोस्तों 3, और ये आ गया दोस्तों यहां पर 1, यानी कि 4 के सामने 1, 6 के सामने 3, तो यहां पे 2 के सामने क्या आएगा 5 आएगा, लेकिन यहां पे ऑप्शन में नहीं दे रखा इसलिए ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर जानकारी नहीं इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है, कौन सा इसमें सही संधि विच्छेद नहीं है वो यहां पर अपने को बताना है। देखिए परमाणु
प्लस अस्त्र है, तो इसमें परमाणु अस्त्र बिल्कुल सही दे रखा है। आगे देखिए वाक प्लस निपुण तो वाग्निपुण, ठीक है, ये भी दोस्तों ये सॉरी इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों यहां पे देखिए वाक प्लस निपुण, तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें वग्निपूर्ण होता है, ठीक है, वग्निपूर्ण होता है, वाग्नि नहीं होता, ठीक है, व आधा गए फिर न फिर पूर्ण, ठीक है, वग्निपूर्ण होता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न, निम्न में से सही संधि विच्छेद कौन सा है। दोस्तों सही संधि विच्छेद कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। यहां पर देखिए मंजूषा में देखिए दोस्तों मंजू प्लस उषा बिल्कुल सही है, ठीक है, स्वैच्छिक सौ प्लस ऐच्छिक बिल्कुल सही है, वधमागमन वधु प्लस आगमन बिल्कुल सही है। यहां पे देखिए विपलीन विपद प्लस लीन, ये दोस्तों अपना क्या दे रखा है इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, सॉरी यही इसमें सही दे रखा है। यहां पर देखिए दोस्तों दोबारा से देखिए इस प्रश्न को, यहां पे मैंने सही संधि विच्छेद कौन सा है वो बताना है। यहां पे देखिए मंजूषा के अंदर देखिए मंजू के अंदर ये मात्रा आएगी दोस्तों, यहां पर बड़ी उ की मात्रा आएगी, लेकिन यहां पर छोटी दे रखी है जो कि अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखिए दोस्तों स्वैच्छिक में सव प्लस ऐच्छिक, तो यहां पर देखिए दोस्तों ये इसमें क्या होगा सव, ठीक है, उसके बाद में ऐच्छिक, ठीक है, तो सीधा सा मैं आपको बोलूं तो इसमें एक के ऊपर क्या आएगी मात्रा आएगी, ठीक है, यहां पर मात्रा नहीं दे रखी थी इसलिए यह गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए वधु प्लस आगमन, ठीक है, तो यहां पे वधवा गमन, ठीक है, तो यहां पे देखिए ये मात्रा है, ये बड़ी उ की मात्रा दे रखी है तो यहां पर छोटी उ की मात्रा आएगी इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए विपलीन विपद प्लस लीन, ये बिल्कुल सही दे रखा है यहां पर, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द है वो शुद्ध है वो अपने को यहां पर बताना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर द्वारका जो शब्द दे रखा है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द दे रखा है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों रविंदर के अंदर देखिए बड़ी एक की मात्रा आएगी, ठीक है, और ये सदोपदेश दे रखा है तो सदोपदेश नहीं होता सदुपदेश होता है, ठीक है, तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है, तो बताइए सम उपसर्ग किस में नहीं है, तो दोस्तों यहां पे देखिए संभाव के अंदर है वो सम उपसर्ग नहीं है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन अपने प्रारंभ हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पे खाली स्थान अपने को भरना है। यहां पर देखिए यू कैन वोट एज यू आर 18, तो यहां पर क्या आएगा, यानी कि आप 18 साल से उम्र से ज्यादा है तो वोट दे सकते हैं, ठीक है, यू कैन वोट एज यू आर 18, तो यहां पर खाली स्थान में क्या आएगा, तो दोस्तों अबव, ठीक है, सरकार द्वारा तय निश्चित एज है 18, इससे ऊपर के लिए आप अबव का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहां पर अपना इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें 33 नंबर का प्रश्न है, देखिए सी आस्क्ड हिज फादर मनी, तो यहां पर क्या आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें देखिए यहां पे फोर का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है, सी आस्क्ड हिज फादर फॉर मनी, तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फॉर प्रीपोजिशन का इसमें प्रयोग होगा। आगे देखिए बी केयरफुल लेट्स यू फॉल यानी कि फेल ऑफ हर्ट योर सेल्फ, बी केयरफुल लेट्स यू फेल ऑफ हर्ट योर सेल्फ, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शुड इसका बिल्कुल सही उत्तर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहां पे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, ही हैज ऑल दैट ही हैड, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है लॉस्ट, इसका बिल्कुल सही उत्तर, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीकी उपयुक्त है, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीकी उपयुक्त है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भस्मीकरण, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भस्मीकरण, ठीक है। आगे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो वो कहलाते हैं अपचायक, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपचायक। आगे देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विप्रयासी लक्षण को नहीं चुना,
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विप्रयासी लक्षण को नहीं चुना? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जड़ का रंग। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जड़ का रंग। आगे देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया? भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एमएस स्वामीनाथन ने किया। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एमएस स्वामीनाथन ने किया। आगे देखिए, इसमें निम्न कथनों पर विचार करके सत्य कथनों का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, डीडीपी का पूरा नाम मरुविकास कार्यक्रम है, ठीक है, मरुविकास कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान के 16 जिलों में संचालित है, तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है, 16 जिलों में संचालित है। यह राजस्थान की 85 तहसीलों में संचालित है, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें केंद्र राज्य वित्तीय अनुपात 60:40 है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, 1 अप्रैल 1999 में दोस्तों जो धन का अनुपात है वो दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य 75:25 का कर दिया गया है, 75:25 का कर दिया गया है, यानी कि 75 का रेशियो केंद्र का रहेगा और राज्य का रहेगा 25%। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए चौथा नंबर का अपना इसमें गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 इसमें बिल्कुल सही, यानी कि अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निरपेक्ष निर्धनता अध्ययन है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक व्यक्ति का। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक व्यक्ति का, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जिला BSHW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा जिला BSHW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाड़मेर, ठीक है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये जो बाड़मेर है ये BWHW के अंतर्गत आता है, ठीक है। BSHW में जालौर, जोधपुर, बीकानेर आता है। आगे देखिए, इसमें कौन से जिले में सन 2020-21 के दौरान बाजरा सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है? दोस्तों बाजरा सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है बाड़मेर में। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों, अपने को बताना है कि संविधान का जो स्रोत है वो कहां से लिया गया है। देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी कि आयरिश के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का आपात है ये दोस्तों कहां से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। और संघ राज्य संबंध है ये दोस्तों कनाडा से लिया गया है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है? भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें सीधा सा मैं आपको बोलूं तो देखिए, यह राज्यसभा के सभी सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, ठीक है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्यसभा में सभी सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व है ये प्राप्त नहीं देता है, यानी कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं देता है, सबके अलग अलग सीटें हैं। जैसे राजस्थान की 10 है तो यूपी की और भी ज्यादा है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि ये गलत दे रखा है। देखिए, इसका एक लिखित संविधान है, यह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा करता है, यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था का काम करता है, बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है, बाकी तीनों सही है। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का विस्तार से सर्वेक्षण कौन सी समिति करती है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का विस्तार से सर्वेक्षण कौन सी समिति करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोक लेखा समिति करती है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
निम्न में से कौन सी एक है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में सरकारी आयोग की सिफारिश नहीं है? निम्न में से कौन सी एक है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में सरकारी आयोग की सिफारिश नहीं है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, अपना इसमें बताइए कौन सा। देखिए, उसे राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के कम कुछ समय पहले सक्रिय राजनीति में भाग लिया हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए, किसी राज्यपाल को चुनने के लिए राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जानी चाहिए, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, राज्यपाल को 5 वर्ष की पदावधि में असाधारण स्थिति को छोड़कर बाधा नहीं डालनी चाहिए। राज्यपाल को उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, बाकी तीनों सही है लेकिन बी नंबर का इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। देखिए, जो रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 से 1987 के मध्य एक आयोग बनाया गया था, जिसे अपनी रिपोर्ट 1990 में दी थी और राज्यपाल से संबंधित विषय में अपने विचार दिए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दलीय पद्धति के जनक किसे माना जाता है? दलीय पद्धति के जनक है ये दोस्तों माना जाता है किसे? तो दोस्तों प्यूरिटस को माना जाता है, तो सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुदलीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बहुदलीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो वो है भारत, भारत में बहुदल है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एनसीईआरटी के प्रमुख संगठनों में से नहीं है, एनसीईआरटी के प्रमुख संगठनों में से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एनटीई है, आरआईई है और सीआईईटी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए एसआईईएमएटी ये नहीं है, ये दोस्तों राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है, तो ये इसमें नहीं आता है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें BIET यानी कि ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना 196 जिलों में खोलने का प्रस्ताव किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो दोस्तों ये 196 जिलों में खोलने का जो प्रस्ताव है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें माध्यमिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण राजस्थान में कितने स्तर पर दिया जाता है बताइए? माध्यमिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण राजस्थान में कितने स्तर पर दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तीन स्तरों पर दिया जाता है दोस्तों, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीन स्तरों पर दिया जाता है। आगे देखिए, इसमें RIE, ठीक है दोस्तों, RIES अजमेर में कक्षा 1 से 12 तक एक विद्यालय स्थापित किया गया, उस विद्यालय को क्या कहा जाता है? दोस्तों उस विद्यालय को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों DMS कहा जाता है, क्या कहा जाता है? DMS। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि DMS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों डिमोनिस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, DMS, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 55 नंबर का प्रश्न है, एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना किसके द्वारा संचालित है? एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना किसके द्वारा संचालित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा किसके द्वारा करवाई जाती है? राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा किसके द्वारा करवाई जाती है? ये करवाई जाती है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। आगे देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कितने स्तरों पर करवाई जाती है? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी कि NTSE परीक्षा है वो कितने स्तरों पर करवाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 2 स्तरों पर करवाई जाती है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों 2012-13 में, ठीक है, 2012-13 में दोस्तों यह योजना है ये प्रारंभ की गई थी, तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2012-13 में, ठीक है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा यह निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना है ये प्रारंभ की गई थी।
यहाँ पर देखिए 59 नंबर प्रश्न, गार्गी पुरस्कार योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए 10वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है साहब, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। आगे देखिए गार्गी पुरस्कार का प्रारंभ 1995 में हुआ था। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, गार्गी पुरस्कार का जो प्रारंभ है ये दोस्तों 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। ये 1995 गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। ठीक है, आगे देखिए गार्गी पुरस्कार योजना में समस्त वर्ग की बालिकाएं शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों अपना इसमें 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष तक दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें आपकी बेटी योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आपकी बेटी योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर देखिए दोस्तों इस योजना का प्रारंभ 2004-05 में किया गया, बिल्कुल सही है। इस योजना में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं शामिल है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से है, बिल्कुल सही है। दोस्तों यहां पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन, कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 1,100 रुपये और कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को 1,500 रुपये दिए जाते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए आपकी बेटी योजना 2004-05 में शुरू हुई थी, और दोस्तों 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस के अवसर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक महत्वपूर्ण संशोधन किया था, जो दोस्तों वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 1,100 रुपये के स्थान पर 2,100 रुपये, ठीक है, 1,100 रुपये के स्थान पर 2,100 रुपये, और कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत वाली छात्राओं को दोस्तों 1,500 के स्थान पर दोस्तों 2,500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा था। ठीक है, आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा योजना से संबंधित असत्य कथन छांटिए। विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा योजना से संबंधित असत्य कथन अपने को यहां पर छांटना है। दोस्तों यहां पर देखिए यह योजना 2010-11 में शुरू की गई, बिल्कुल सही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मेरिट लिस्ट में आने वाली 3 छात्राएं इसमें पात्र हैं, बिल्कुल सही है। कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्राएं पात्र हैं, तो यह गलत हो जाएगा। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिस्ट में आने वाली जो प्रथम 3 छात्राएं हैं वो ही पात्र हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों मिलान कीजिए, निम्न का मिलान करना है, अपने को बताना है कि कौन सी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। यहां पर देखिए दोस्तों प्रबंधन की अवधारणा है, दोस्तों प्रबंधन की अवधारणा ये दी गई है दोस्तों FMW टेलर के द्वारा, और प्रबंधन का गुरु है ये किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रबंधन का गुरु है ये अरिंदम चौधरी को कहा जाता है। सुव्यवस्थित प्रबंध की अवधारणा, सुव्यवस्थित प्रबंध की, सॉरी यहां पर देखिए इसमें प्रबंध का गुरु, ठीक है, प्रबंध का गुरु है वो दोस्तों किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों पीटर देकर को, अरविंदम चौधरी को नहीं कहते, ठीक है, पीटर देकर को कहते हैं। सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा, सुव्यवस्थित प्रबंधन की जो अवधारणा है ये दोस्तों हेनरी फ्योल को कहते हैं, ये यानी कि हेनरी फ्योल ने दी थी सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा। और प्रबंधन का जो जनक है वो दोस्तों कहा जाता है किसे? अरिंदम चौधरी को कहा जाता है प्रबंधन का जनक है, प्रबंधन का गुरु है वो पीटर देकर को कहा जाता है। यहां पर DACB इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए सुमेलित करना है दोस्तों, यहां पर देखिए अभिप्रेरणा, दोस्तों अभिप्रेरणा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अभिप्रेरणा को कहते हैं हृदय, क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। संप्रेक्षण को क्या कहते हैं? संप्रेक्षण को कहते हैं दोस्तों शक्तिग्रह, ठीक है। और निर्णयन को क्या कहते हैं? निर्णयन को कहते हैं दोस्तों भविष्य, ठीक है। और नवाचार को क्या कहते हैं? प्रकृति का सूचक। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा CDBA, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सुमेलित करना है, अपने को बताना है कि किसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए पी का मतलब होता है योजना, यानी कि प्लानिंग, ठीक है। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन, ठीक है, क्या होता है? संगठन, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पर डी का मतलब होता है क्या? देखिए
जो डी का मतलब होता है वो होता है दोस्तों डायरेक्शन यानी कि निर्देशन, ठीक है। यहाँ पे आर, आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर का मतलब होता है इसमें देखिए आर का मतलब होता है इसमें बजट, ठीक है, और बी का मतलब होता है प्रतिवेदन। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी डी ई ए बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसमें ए बी दे रखा है, सी डी ई ए बी, सॉरी बी का मतलब होता है बजट, ठीक है, और ए का मतलब होता है प्रतिवेदन। तो यहां पर बी ए कर लेना इसमें, ठीक है। तो यहां पर सी डी ई बी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए ब्रज शिक्षा निर्देशालय, ब्रज शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर है तो दोस्तों ये है जयपुर में, कहाँ पर है जयपुर में। कॉलेज शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर है तो ये है दोस्तों जयपुर में, ठीक है, ये कहाँ है, ये भी जयपुर में है। यहाँ पे देखिए प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर है तो दोस्तों ये जोधपुर में है, और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर है तो ये बीकानेर में है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी बी ए सी, डी बी ए सी, यानी कि अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, आजादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया तो यह दिल्ली में किया गया दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 67 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 12 को किया गया दोस्तों, तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, निम्न पुस्तकों में से असंगत युग्म अपने को यहाँ पर छाटना है, यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सी पुस्तक किसकी नहीं है। यहाँ पे देखिए सेकेंड गेम्स, ये दोस्तों विक्रम चंद्रा की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। द गर्ल इन रूम, ये चेतन भगत की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। ब्रीफ आंसर टू डी बिग क्वेश्चन, ये दोस्तों स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। नोट्स ऑफ ए ड्रीम, ये ए आर रहमान, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नोट्स ऑफ द ड्रीम ये पुस्तक है दोस्तों किसकी, तो ये कृष्णा त्रिलोक की ये रचना है, और इसमें दोस्तों ए आर रहमान की जीवनी है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की पुस्तक है। रेडियो कश्मीर, ये राजेश भट्ट की पुस्तक है। वी आर डिस्प्लेड, ये मलाला यूसुफ जाई की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। मोदी अगेन वरुण गांधी है, ये गलत दे रखा है दोस्तों। मोदी अगेन आभास मालदा हियार की पुस्तक है ये दोस्तों, आभास, ठीक है, मालदा हियार की पुस्तक है ये, ठीक है, मोदी अगेन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, मई 2021 में किस क्षेत्र को लेकर इजराइल और फिलिस्तान में युद्ध विराम लागू हुआ है, बताइए मई 2021 में किस क्षेत्र को लेकर इजराइल और फिलिस्तान के यानी फिलिस्तान में युद्ध विराम लागू हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गाजा पट्टी। तो यहां पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गाजा पट्टी। आगे देखिए इसमें, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 2020 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो यहां पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, 12 का है परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 6 अप्रैल 2021 को अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है, यह किस देश में स्थित है। 12 का है परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने 6 अप्रैल 2021 को अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है, यह किस देश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, सी नंबर, तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का पड़ोसी राष्ट्र जहां सेना ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, भारत का पड़ोसी राष्ट्र जहां सेना ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों म्यांमार में। दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, म्यांमार। आगे देखिए, भारत का पड़ोसी राष्ट्र जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाकिस्तान को। तो यहां पर चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश रहा तो वो कौन सा रहा, सही उत्तर हो जाएगा वो रहा दोस्तों चीन। तो यहां पर तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रथम पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए अनिवार्य पेपर में छठा मॉडल पेपर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा।
फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें, और साथ में सेकंड ग्रेड का भी फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर भी सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर का भी टेस्ट दे सकते हैं। और अत्यारे अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।